अरे रे, ये गांव में किस बात की इतनी सारी तैयारी? न ईद न दिवाली, फिर काहे की ये खुशहाली? कैमरामैन जरा जूम तो करो। अच्छा, तो ये बात है। चाचा जी को दिल्ली की एम्स में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई। और क्या, 4 महीने, 10 धक्के, 890 रुपए की बस की टिकट और ढेर सारा वक्त खर्च करने के बाद इन दूर दराज के गांव वालों को डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट मिल जाए तो पार्टी तो बनती है ना। ये लो, आपको मजाक लगता है क्या? खुद ही देख लीजिए अस्पताल जाकर। ये अस्पताल है या मेला? ना ना, इसमें गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, ना ही वो नर्स की या वो काउंटर पर बैठे बाबू की। सब कुछ मानो इस भीड़ की बाढ़ में बहे जा रहा है। हर कोई अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा है, फिर भी ये कतारें लगती हैं और हर कोई अपना आपा खोता है। तो चलिए कुछ स्मार्ट करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन की लाइन को ऑनलाइन ले जाते हैं और लीजिए हो गई अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन स्लिप के प्रिंट आउट तक की सारी सुविधाएं घर बैठे ऑनलाइन। अब खबरदार, जो 44 डिग्री गर्मी में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए घर से बाहर कदम रखा तो न धक्का मुक्की, न कतार और न ही वो वेटिंग। आप घर से सीधे पहुंच लिए डॉक्टर साहब के रूम में बिना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के। अरे, यहां लैब रिपोर्ट्स लेने के लिए इतनी भीड़ क्यों भाई? मरीज के रिश्तेदार होने की ये सजा है क्या कि एक रिपोर्ट को लेकर घंटों इधर से उधर घूमते रहो? तो वो कागजों वाली रिपोर्ट प्रथा को अलविदा देते हुए अब सभी पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स भी रहेंगे ऑनलाइन। ये गई पेमेंट्स की लाइन भी ऑनलाइन। अरे, खून की इमरजेंसीज तो अस्पतालों में आए दिन लगी रहती है, पर दुख भरे दिन बीते रे भैया, क्योंकि अब खून की उपलब्धता की जानकारी भी मिलेगी ऑनलाइन। अस्पताल का माहौल देखो तो वैसे तो ये सारी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें तो होती हैं बड़े बड़े मशीन्स, दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर। पर भारत सरकार चाहती है कि अस्पताल में अब सिर्फ इलाज की फिक्र हो, अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स की नहीं। अगर ये सारी लाइनें हो जाए ऑनलाइन तो फिर पूरी अस्पताल लग जाएगी पेशेंट को अच्छी सुविधा और इलाज देने में, क्योंकि अस्पताल का काम है दर्द का इलाज करना, दर्द देना नहीं। तो आपको भी न गुजरना पड़े इस बिन बुलाए दर्द से, इसीलिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्टर करिए www.ors.gov.in पर, या फिर संपर्क कीजिए नजदीकी CSC सेंटर का, क्योंकि कुछ अस्पतालों में कार्यरत हो चुकी इस सुविधा को आने वाले वर्षों में देश के कोने कोने तक ले जाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया, जहां जिंदगियां आसान होती हैं। हमारे देश की सभी सरकारी अस्पतालों को पेपर फ्री, सरल और डिजिटल बनाएगा ई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। देश का स्वास्थ्य देश की पूंजी।